हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो अभी हम जा रहे हैं जमुना जी की सैर करने। हम बोट में बैठ चुके हैं सभी लोग एकदम, आप देखेंगे। और हमारा एक भाई तो बिल्कुल पंडित जी बन चुके हैं, पूरी फॉर्म में है। चलिए तो भैया देखो, वृंदावन आओ और जमुना मैया के दर्शन ना करो तो वृंदावन आना थारो बेकार है, क्योंकि वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे 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 अलबेली सरकार भजे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे 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 अलबेली सरकार भजे जा राधे राधे। तो कान्हा जी ने एक राधा नाम ही तो दिया था जिससे कान्हा जी को हम प्राप्त कर सकते हैं। बोल राधे राधे जी। तो कारी कारी राधा गोरी गोरी यमुना जी। तो कारी कारी राधा गोरी गोरी। माने जो सबसे पहले महाराज किया था ना वृंदावन के अंदर, जो निधि बने, तो वृंदावन के अंदर जितनी भी गोपियां आती महाराज करने के लिए वृंदावन आई थी, तो वहाँ से कैलाश पर्वत से पार्वती जी भी महाराज करने के लिए वृंदावन आई थी। उनके पीछे पीछे शंकर भगवान आए कि मैं भी महाराज करने के लिए जाऊँगा। तो जैसे ही राज के अंदर गए तो गोपी लोगों ने मना कर दिया कि महाराज देखना है तो गोपी बन के आना पड़ेगा, क्योंकि 16,000 गोपियां हैं और पुरुष तो सिर्फ एक ही है इसके अंदर। तो भगवान कहने लगे मैं तो कैलाश पर्वत को छोड़ के नहीं वृंदावन आया हूँ, तो मेरे से गोपी लोगों ने मना कर दिया। जब विशाखा ने कहा कि जाओ यमुना जी नहीं आई है महाराष्ट्र में, आप यमुना जी के पास जाइए, यमुना जी आपको पूरा 16 सिंगार दीजिए। आके भगवान यमुना जी के पास आए तो यमुना जी ने उनको 16 सिंगार दिया था। तब गोपी का रूप धारण करके नहीं है, वस्त्र पहन के नहीं है, तो राज के अंदर प्रवेश जैसे हुए थे ना, तो उस समय राधा रानी के साथ महाराज कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे। तो भगवान ने नंगे पैर दौड़े दौड़े गए तो कहने लगे कि आओ गोपेश्वर। वृंदावन के अंदर भगवान को नाम दिया था शंकर भगवान का गोपेश्वर, कि आओ गोपेश्वर। तो उसी समय राधा रानी रूठ के नहीं है और अपना मान मार के नहीं है, ये नहीं है कि मैं भागवत से अलग है, जो भागवत में लिखा हुआ है ना वो ही है। अब आजकल के तो ये क्या कुछ बताते हैं और कुछ करवाते हैं, उसका भी जवाब दूंगा अदगा। पर उससे ये पूछना, किसी से भी पूछना, कोई जवाब नहीं दे सकता अदगा, मैं बताऊंगा। तो नंगे पैर दौड़े गए थे ना, तो राधा रानी कहने लगी कि 16,108 गोपियां हैं और ऐसी कौन सी गोपी आ गई जो मेरे को सुनता, तो उस गोपी के पास महाराज करने के लिए गए। तो उसी समय राधा रानी रूठ के नहीं है, अपना मान मार के नहीं है, चली गई थी। जो लिखा हुआ है भजनों में कि झांक राजे राधा रानी अलवेली सरकार और सवरिया लेचल पल्ली पर। तो यहाँ से जाओगे आप 6 किलोमीटर राधा रानी मानसरोवर है। आज भी अगर दर्शन करोगे शंकर भगवान का तो गोपी का ही दर्शन मिलेगा आपको, गोपेश्वर महादेव। केदारनाथ बद्रीनाथ हरिद्वार ऋषिकेश जब जाओगे ना, जब माँ चारों धामों पर यात्रा होती है, यहाँ भगवान ने चारों धामों को ला कर ना यहीं खड़ा कर दिया, जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ का ब्रजवासी 100 में से 5% ज़्यादा ओनली घूमने के लिए, दिल्ली कोई ज़्यादा दूर नहीं है, राजस्थान कोई ज़्यादा दूर नहीं है, कोई नहीं जाता है वृंदावन के। तो ये वृंदावन वो चीज़ है कि इसके अंदर कोई भी एक से सके कोई साइंटिस्ट वैज्ञानिक खोज नहीं लगा पाया कि वृंदावन है क्या चीज़ है। कहते हैं ना ये वृंदावन की लीला मत जानो गुरु को चीला, जहाँ मैं ऋषि मुनि के हार, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी ना वो भी हार गए थे,
जब भी जा राधे राधे। प्रीत हो मन मीत हो राधे मेरी मन मीत हो। दोस्तों अब हम चल रहे हैं इस्कॉन टेंपल, आपको दिखाएंगे वहाँ पे कैसा रहता है शाम को, क्या पता हमें आरती के टाइम पे हम पहुँचेंगे तो आपको आरती भी जरूर दिखाएंगे। आपको मिलते हैं डायरेक्ट लोकेशन पे, चलिए चलते हैं। हरे कृष्णा दोस्तों, तो कैसा रहा आपको क्या नाम है इसको टेम्पल के अंदर का? हमारे अंदर तो मतलब दिल को बहुत शांति मिली नाना जी के दर्शन करके, पवित्र हो गया अंदर जाके। इतना इतना अच्छा एक्साइटमेंट था हमारा कि जाना है 4:30 बजे का यहाँ का टाइमिंग था। अंदर गए वहाँ पे सभी को अच्छे से दर्शन हो गए, बहुत अच्छे खुले दर्शन थे, बहुत अच्छा लगा। मतलब
दिल को बहुत अच्छे से शांति थी, भजन कीर्तन हो रहा था, मन कर रहा था वहीं पे नाचे, वहीं पे झूमे, यहीं पे रह जाएं। उसके बाद हमने यहाँ पर एक म्यूजियम है, म्यूजियम में दिखाया आपको, आपको हमने, आपने देखा वहाँ पे एक ग्लोब था, उस ग्लोब में जहाँ तक लाइटें जल रही थी वहाँ पे ये बताया गया था कि वहाँ पे जो डिवोटीज थे उन्होंने कैसे कहाँ कहाँ पे हमारे कान्हा जी का प्रचार किया, बताया गया कैसे इस चीज़ को, परंपरा को आगे बढ़ाया गया था, वो आपने वहाँ उस ग्लोब में देखा ही था। बाकी अंदर आपने देखा कि कितने अच्छे तरीके से उन्होंने डेकोरेट किया हुआ है कान्हा जी के, अभी भीड़ भी हो रही है तो हम जल्दी सब निकल रहे हैं, हमारे दोस्त आ रहे हैं लंग फिर हम उनको लेके चलते हैं। राधे राधे।